मेरा नाम ओम जी है। मैं बोगोमलेट्स यूनिवर्सिटी में पाँचवें वर्ष का MBBS का छात्र हूँ। हम लोग यहाँ पर कीव में रहते हैं और यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई के कारण हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ हमेशा ही बमबारी होती है। जब भी हम लोग बाहर निकलने का सोचते हैं बमबारी होती है, इस वजह से हमें शेल्टर में रहना पड़ रहा है। हम भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें जल्द से जल्द कीव से निकाला जाए। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं भी बोगोमलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और जैसे हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं बहुत दिनों से, आज हमारा तीसरा दिन है बंकर में, और हम कैसे भी कैसे यहाँ पे हम अपना समय बिता रहे हैं। अभी भी बम फट रही है यहाँ पे, अभी हमें आवाज़ें आ रही हैं, हम बहुत डरे हुए हैं क्या करें क्या नहीं। पर जब भी बम फटता है तो हम बम शेल्टर में चले जाते हैं और फिर थोड़ा शांत होता है माहौल तो फिर हम बाहर आते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं फिर बम फट जाता है। तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे, क्या करें। बस यहाँ पे थोड़ी मदद लेट से आएगी, पर हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जल्द से जल्दी थोड़ा करे, क्योंकि हम पता नहीं कब क्या होगा क्या नहीं, और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रह रहा है बार बार। कभी कभी ऊपर से कुछ अटैक हो जा रहा है, तो कभी साइड से, बहुत जगह बहुत ही माहौल ख़राब है यहाँ पर।